हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक रहस्यमयी टॉपिक, जिसमें कुछ बातें हैं जानी अनजानी सी। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक, वृंदावन। जी हाँ, वृंदावन नाम तो सुना ही होगा ना आप लोगों ने। वृंदावन जो कि यूपी का एक शहर है, जिसमें एक मंदिर है जो अपने आप ही खुलता और बंद हो जाता है। आप सोच तो रहे होंगे कि अपने आप खुलता है और अपने आप बंद हो जाता है, कैसे? कहते हैं कि निधिवन परिसर में स्थापित रंग महल में भगवान कृष्ण रात में शयन करते हैं, मतलब सोते हैं। रंग महल में आज भी प्रसाद के तौर पर माखन मिश्री रोजाना रखा जाता है। सोने के लिए पलंग भी लगाया जाता है। सुबह जब आप इन बिस्तरों को देखेंगे तो साफ पता चलेगा कि रात में यहाँ ज़रूर कोई सोया था और प्रसाद भी किसी ने ग्रहण किया था। इतना ही नहीं, अंधेरा होते ही इस मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, इसलिए मंदिर के पुजारी अंधेरा होने से पहले ही मंदिर में पलंग और प्रसाद की व्यवस्था कर देते हैं। मान्यता के अनुसार यहाँ रात के समय कोई नहीं रहता है, इंसान छोड़िए पशु पक्षी भी नहीं रहते। ऐसा बरसों से लोग देखते आए हैं, लेकिन रहस्य के पीछे का सच धार्मिक मान्यताओं के सामने छुप सा गया है। यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर कोई व्यक्ति इस परिसर में रात में रुक जाता है तो वह तमाम सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, मतलब बगैर रिजर्वेशन कराए अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है। फैक्ट नंबर 2, हिमालय में स्पीति के पास घुईन नामक एक छोटा सा कस्बा है, शायद आप लोगों ने सुना भी हो, जहां पुराने ज़माने में प्रचलित खुद की मम्मी बनाने की संस्कृति देखने को मिलती है। यहां पर एक छोटे से कमरे में 500 साल की मम्मी रखी गई है, जिसे कांच से संरक्षित किया गया है। 500 साल, बहुत साल पुरानी हो गई है। तो 15वीं शताब्दी के महंत सांगा तेनजिन की ये मम्मी है, ऐसा माना जाता है, जिसकी त्वचा और सर के बाल आज भी साबुत हैं। ये मम्मी सबसे पहली प्राकृतिक मम्मी है। फैक्ट नंबर 3, जयगढ़ का जयवाना किला दुनिया के सबसे बड़े पहियों वाली तोपों के लिए प्रसिद्ध तो है, पर साथ साथ साजिश और खजानों की कहानियों के लिए भी प्रसिद्ध है। भाई सुनना इनकी कहानियाँ। ऐसा कहा जाता है कि अफगानिस्तान की जंग जीतने के बाद अकबर के रक्षा मंत्री मानसिंह का नाम सुना है? मानसिंह ने युद्ध में जीता हुआ खजाना इसी किले में छुपा के रखा था। सन 1977 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किले में खजाना और पानी की टंकियाँ ढूंढने के लिए एक मुहिम चलाई, पर इसमें कुछ भी नहीं पाया गया। इस मुहिम की पूरी कहानी महारानी गायत्री देवी द्वारा लिखी गई है, जिसका नाम है ए प्रिंसेस रिमेम्बर्स नामक किताब में पढ़ने को मिलता है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि ये किताब एक बार पढ़ना ज़रूर, आप लोगों को ऐसी कई सारी जानकारियाँ इसमें मिलेंगी। फैक्ट नंबर 4, जैसलमेर, अरे वाह, ये तो अपने राजस्थान का है। जैसलमेर के पश्चिम दिशा में 20 किलोमीटर के बाद भूतों से पीड़ित कुलधारा गांव है। ये फोटो देख रहे हैं जो ना, ये उसी कुलधारा गांव की है जहां 100 साल पहले पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। लगभग 1500 लोग एक ही रात में इस गांव को छोड़कर निकल गए। अरे वाह, 1500 लोग गांव छोड़कर निकल गए। किसी को खबर नहीं थी कि वहाँ और क्यों गए, पर लोगों का मानना है कि दुष्ट शासक सलीम सिंह और उसके लगाए गए लगान की वजह से लोग गांव छोड़कर चले गए और जाते जाते गांव को एक श्राप भी देकर गए। उस घटना के बाद जिसने भी गांव में रहने का निश्चय किया उसकी मौत हो गई। इसी वजह से ये गांव आज तक नहीं बसा। ऐसा कैसे हो सकता है? फैक्ट नंबर 5,
हैदराबाद के असफ जाह शासन के सातवें और आखिरी निजाम मीर उस्मान अली खान अपने गहनों और खजाने के संग्रह के लिए प्रसिद्ध थे। सन 1937 में टाइम मैगजीन ने उन्हें दुनिया के सबसे अमीर आदमी का सम्मान दिया। उनके द्वारा संग्रहित की गई सभी गहनों और खजाने को उनके मृत्यु के बाद भी कोई ढूंढ नहीं पाया था। लोगों का कहना है कि सारा खजाना हैदराबाद के कोठी पैलेस में छुपा है, जहाँ निजाम रहते हैं। अरे वाह, चलोगे दोस्तों? कौन कौन चलेगा मेरे साथ, कमेंट में करके बताओ। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारियों के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।